Hey Esperance, how are you? Index reports और ranking का जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें एक और लेसन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार सुलभता रिपोर्ट 2018 जो हाल में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लेसन एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा और मेरा नाम है कुमार जतिन। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। हाल में एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा की जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व बैंक। इससे पहले भी हमने जो दो लेसन उसमें किए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट थी वो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। ओके और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ओके तो 190 देशों की ये रैंकिंग बनाई गई है। इस रैंकिंग में भारत का जो स्कोर है वो 60.76 है। ओके 190 देशों की रैंकिंग है फर्स्ट थिंग। और इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारत का स्थान है 100, 100वां स्थान भारत को मिला है। IFPRI द्वारा जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत का 100वां स्थान था। और 2012 में भारत की जो रैंक थी वो 132 रैंक थी। इसलिए भारत ने बहुत अच्छी प्रगति इसमें की है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है उसमें 132 से 100 स्थान पर पहुंचा है। तो 32 स्थानों की छलांग भारत ने लगाई है। प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड, सेकंड पर है सिंगापुर, थर्ड पर डेनमार्क। तो इस रिपोर्ट का आशय क्या है, मतलब क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले इतना जान लेते हैं कि फर्स्ट जो रैंकिंग पर है वो न्यूजीलैंड है, सेकंड पर है सिंगापुर, थर्ड पर डेनमार्क है और 189वां स्थान इरिट्रिया का है और सबसे अंत जो स्थान मिला है वो सोमालिया का है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि अंत स्थान या प्रथम स्थान किस किस का है। न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान है और सोमालिया का अंतिम स्थान है। ओके और भारत का स्थान 100वां है। तीन चीज आपको याद रखनी है और विश्व बैंक द्वारा ये जारी की गई है। आज से पहले दिल्ली को इसमें दिल्ली के साथ अब की बार देखो 2016 में जो इसकी गणना हुई थी उसमें केवल मुंबई के बेस पर यह गणना की गई थी। मतलब ये कि मुंबई को बेस सिटी माना गया था। उस सिटी में जो परिस्थितियां थी, उस सिटी में जो संसाधन थे, उन संसाधनों को पूरे देश का संसाधन मान लिया गया था। ठीक है, तो केवल मुंबई को कंसीडर किया गया था। अब की बार जो ये रिपोर्ट आई है वो दिल्ली के साथ और मुंबई प्लस दिल्ली दोनों को कंसीडर में किया गया है। दो शहर कंसीडर किए गए हैं, मुंबई और दिल्ली। ठीक है, तो हम पिछले साल की जो रिपोर्ट है उससे तुलना कर ही नहीं सकते क्योंकि पिछली बार जो एक शहर शामिल था और अब की बार दो शहर भारत के इसमें शामिल किए गए हैं। दिल्ली के साथ मुंबई को भी सम्मिलित किया गया है। ओके दो कंट्री सम्मिलित है, मुंबई और दिल्ली। जो इसके पैरामीटर्स हैं उनमें नोटबंदी को शामिल नहीं किया गया है। रीजन ये है क्योंकि नोटबंदी भारत में इम्प्लीमेंट हुई थी, विश्व के सभी देशों में इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। तो उन सभी देशों की तुलना भारत की नोटबंदी से किस प्रकार की जाए। एक भारत ने नोटबंदी लागू की लेकिन अन्य देशों ने तो नहीं की ना, तो भारत की नोटबंदी का उन अन्य देशों से किस प्रकार हम संबंध स्थापित करें या किस प्रकार से तुलना करें। तो इस प्रकार की तुलना नहीं हो सकती थी, इसलिए इस पैरामीटर्स में नोटबंदी को शामिल नहीं किया गया। तो ग्लोबल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो नोटबंदी को उसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एक तरह से हम अगर देखें सोचें तो बिजनेस की जो बात होगी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा वो नोटबंदी से बिल्कुल इफेक्टेड होगा, बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर नोटबंदी का, लेकिन इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इसका रीजन कुछ अलग है। ओके ये जो ग्राफ दिखाया गया है आपको वो जो इजीएस्ट कंट्रीज टू डू बिजनेस है, न्यूजीलैंड फर्स्ट पर है, सिंगापुर सेकंड पर, डेनमार्क थर्ड पर, साउथ कोरिया फोर्थ पर और हांगकांग फिफ्थ पर। इंडिया जो और इसके नेबर्स जो कंट्रीज हैं उसमें भूटान है 75 पर, भारत से अच्छी रैंकिंग लेकर खड़ा है। इंडिया 100 पोजीशन पर है, नेपाल 105 पोजीशन पर, श्रीलंका 111 पर है और पाकिस्तान 147 पर है। पाकिस्तान की स्थिति भारत से खराब है। We are determined to further improve our ranking and scale greater economic growth. नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी आफ्टर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब चूंकि भारत का जो लक्ष्य है वो शेष 50 जो टॉप 50 जो इसकी रैंकिंग होती है उसमें आने का है, तो आगे हम इसके लिए काम कर रहे हैं। ओके अभी जो हमारी रैंकिंग है वो 100 है और
अगली स्लाइड ये है कि इसके जो पैरामीटर्स थे वो किन किन बेस पर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो इन पैरामीटरों को हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट थिंग है व्यवसाय की शुरुआत, मतलब कि ये कि व्यवसाय की शुरुआत अगर मैं करता हूँ तो मेरे को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, फर्स्ट थिंग ये कंसिडर की जाती है। सेकंड थिंग, अगर मैं कोई व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को बिजली कनेक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा, कितनी परेशानियां होंगी और मेरा कितना खर्चा होगा, दैट इज बिजली कनेक्शन। थर्ड इज संपत्ति का पंजीकरण, मैंने कोई संपत्ति यहाँ पर खरीदी है व्यवसाय करने के उद्देश्य से, याद रहे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पर्सनल यूज के लिए इन सब मानदंडों को यूज नहीं करूंगा या मानदंडों की बात नहीं करूंगा। अगर मेरे को व्यवसाय की शुरुआत करनी है तो व्यवसाय की ही शुरुआत करनी है और बिजली कनेक्शन भी व्यवसाय के लिए लेना है। अगर मैं संपत्ति का पंजीकरण करा रहा हूँ तो मेरी निजी संपत्ति का पंजीकरण नहीं है, व्यवसाय के लिए संपत्ति का पंजीकरण किया जा रहा है। ठीक है, संपत्ति के पंजीकरण कराने में कितना टाइम लगता है? छोटे निवेशक जो है, जो कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ पैसों का ही निवेश करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उनको भी इस मानदंड में सम्मिलित किया गया है। करों का भुगतान, टैक्सेस कितने हैं, किस टैक्स बेस पर कितना टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स के जो कानून वगैरह हैं वो कितने अच्छे भारत में हैं और वो कितने कस्टमर फ्रेंडली हैं, इन सब को भी देखा जाता है। सीमा पार का जो व्यापार हो रहा है वो क्या कैसा है और उसमें टैक्स बेस कितना है, उस पर टैक्स कितना लगता है, ये सब। अनुबंध लागू करना, किस प्रकार से जो कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो उनके संबंधी जो कानून है, नीति नियम है, वो किस प्रकार के हैं। लोन प्राप्त करने में कुछ देरी हो रही है या फिर टाइमली लोन मिल रहा है, लाइन लोन प्राप्त करने के लिए कितने फॉर्म्स भरने पड़ रहे हैं, उनको टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड की जाती है। निर्माण परमिट से संबंधित है और दिवालिया समाधान, जो बैंकरप्सी लॉ वगैरह है उनसे संबंधित जो कानून है कि भाई दिवालिया अगर कोई कंपनी हो रही है तो उसके उसके बाद का उपचार क्या होगा, उससे संबंधित कानून क्या है। ये जो 10 पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने ये जो बिजनेस रिपोर्ट जारी की है। 10 पैरामीटर्स, इनमें से आपको याद रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इनमें, जिसमें कि संपत्ति का पंजीकरण, बिजली कनेक्शन, व्यवसाय की शुरुआत है, ऋण प्राप्त करना है, अनुबंध लागू करना है, सीमा पार व्यापार है और दिवालिया समाधान जैसे। देखो, अब 2017 में जो रिपोर्ट थी वो 130 रैंक थी हमारी, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, 132 रैंक इसमें दिखाई गई है। 2012 में 132 थी, 2017 में 130वीं रैंक थी और 2018 में 100वीं रैंक आई है। तो डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स जो है वो उसकी रैंकिंग ये है द गुड। ये जो 6 चीजें थी, ये जो 6 मानदंड थे, उनमें भारत ने अच्छा किया है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन और पेइंग टैक्सेस, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, निर्माण परमिट जो है, इंसॉल्वेंसी, दिवालिया समाधान में भारत ने अच्छा काम किया है। गेटिंग क्रेडिट, ऋण प्राप्त करने में भारत ने अच्छा काम किया है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो छोटे निवेशक है उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने अच्छा काम किया है। बैड किन किन में भारत है, स्टार्टिंग बिजनेस जो व्यापार की शुरुआत है उसमें, ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर जो सीमा पार का व्यापार है उसमें, और रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, संपत्ति का पंजीकरण और गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 3 ये प्रारंभ के व्यवसाय की शुरुआत, बिजली कनेक्शन और संपत्ति का पंजीकरण और 1 सीमा पार का व्यापार, इनमें भारत जो है वो पिछले साल की तुलना में नेगेटिव ग्रोथ में रहा है। और ये जो अन्य जो मानदंड है इनमें भारत ने प्रगति हासिल की है। तो इन इन जो 6 मानदंड है इनमें जो प्रगति हासिल की है उसी के कारण भारत की जो रैंकिंग है वो 130 से 100 हो गई है, मतलब भारत ने अच्छी प्रगति की है। ओके, नेक्स्ट इज ये जो रैंकिंग है इसमें सुधार के रीजंस क्या क्या है, क्यों इस रैंकिंग में सुधार आई है, तो इसके पीछे का हम कारण डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, की व्यापार शुरू करने के लिए जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स की संख्या घटाई गई है। अब देखिए होता क्या है कि आप देख सकते हैं, देखिए तो व्यापार शुरू करने के लिए जो पहले 20 से 25 फॉर्म भरने पड़ते थे, अब एक सिंगल फॉर्म की जरूरत होती है और ऑनलाइन व्यापार शुरू करने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, इससे इन्वेस्टर्स को ये लगा कि हाँ ये हमारे लिए सुलभ हो गया। ठीक है, तो सेकेंड थिंग, दिवालिया कानून में जो बैंकरप्सी से संबंधित कानून भारत में आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने जो काम किए हैं उसके कारण भी इस रैंकिंग में सुधार आया है। टैक्स सुधार आए हैं, टैक्स बेस जो है हमारा उसमें जो टैक्स की वैल्यू है वो कम की गई है, और जीएसटी जैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, एनपीए को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया है, क्योंकि भारत में जो एनपीए है वो बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में है, तो इस एनपीए को, नॉन प्रॉफिट जो एसेट है उनको कम करने के लिए जो भारत ने कदम उठाए हैं, एस4ए हुआ या फिर डीआरटी हुआ या फिर बैड बैंक हुआ, तो
तो इस प्रकार के जो कदम उठाए हैं इनसे भी वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत के प्रति एक अच्छा संदेश गया है, तो इसके कारण रैंकिंग में भारत की सुधार हुआ है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग सुधरी है। तो ये जो रैंकिंग सुधरी है इसके लाभ क्या क्या होंगे ये भी हमें पता रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग की जो रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा बेहतर रेटिंग की जाएगी, जैसे मूडी वगैरह की रेटिंग ने अभी मूडी ने अभी भारत की रेटिंग हाल में सुधारी है, तो अन्य जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी भारत के जो रेटिंग होगी उसको सुधारेंगे। तो ये जो रेटिंग सुधरेंगी इसके आधार पर जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भारत को एक सुलभ देश इन्वेस्टिंग के लिए मानेंगे, इसके कारण एफडीआई में वृद्धि होगी और अन्य कंपनीज एमएनसीज वगैरह भी भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए तत्परता दिखाएंगी। सेकंड थिंग कि मेक इन इंडिया में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया के कारण मेक इन इंडिया करने के लिए जो विदेश से कंपनीज आएंगी जो एफडीआई करेंगी उसमें वृद्धि इसके कारण होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे अगर मेक इन इंडिया बढ़ेगा तो, या फिर अदर कंपनीज एमएनसीज वगैरह इंडिया में आ रही हैं तो रोजगार अवसर भी बढ़ेंगे। बेरोजगारी की समस्या का निदान होगा, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या भारत में आज के टाइम में बहुत अधिक है और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस बेरोजगारी की समस्या से निदान भी तब मिलेगा जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और एमएनसीज वगैरह जो है या फिर एफडीआई वगैरह जो इंडिया में आएगा। ओके, तो ये इसके लाभ होंगे, ये रैंकिंग में सुधार के कारण हो गए। लेकिन एट लास्ट निष्कर्ष ये निकलता है कि ये समावेशी आकलन नहीं है, क्योंकि केवल इसमें दिल्ली और मुंबई को आधार बनाया गया है और दिल्ली और मुंबई के आधार पर पूरे देश की संरचना या ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी हम नहीं मान सकते, क्योंकि मुंबई में जो चीज 100 रुपए की वो जरूरी नहीं देश के सुदूर इलाकों में गाँव में वो चीज 100 रुपए की मिले। हो सकता है कुछ बराबर हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी के बेस पर हम इन कंट्रीज इन ये जो शहर है इनको पूरा देश नहीं मान सकते, क्योंकि दिल्ली में कुछ सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं जो राजस्थान के सुदूर गांव में नहीं मिल पाती। दिल्ली में हॉस्पिटलिटी सुविधा बेटर है वो तमिलनाडु के किसी गांव में नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं, तो इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि इकोनॉमी जो है वो बहुत फैली हुई है। तो इसके इस आधार पर मैं ये नहीं कह सकता कि जो दिल्ली और मुंबई की हालत है वही पूरे देश की हालत है। तो ये इसका एक नेगेटिव इश्यू है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो पूरे देश को कवर करके नहीं बनाई गई, केवल दो जो शहर है उनको इसमें कवर किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे लिए राहत की बात ये होगी क्योंकि रेटिंग एजेंसियाँ जो भारत की रेटिंग होगी उसको बहुत अच्छा करेंगी और उसमें सुधार करेंगी, जब सुधार करेंगी तो भारत के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और जो एफडीआई होगा उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ओके, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट के बारे में हमने ये सब पढ़ा, इसके लाभ क्या क्या हैं, इसे कौन जारी करता है, इसके लाभ क्या हैं और ये भारत के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकती है एंड ATCDC, ठीक है। तो प्लीज़ इस लेसन को रेट रिव्यू रिकमेंड कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में आपके रिक्वेस्टेड लेसन बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन।